मैं पहली बार अपना जादू लेके आया हूँ, तो सबसे पहले मैं जादू को दैविक शक्ति नहीं है, जादू एक फाइन आर्ट है और हिंदुस्तान की 64 कलाओं में से एक निपुण कला है। हम तरक्शील जादूगर हैं, जादू दिखाकर समाज के अंदर फैली बुराइयों को दूर करते हैं, जैसे कि दहेज प्रथा और बहुत सी सामाजिक बुराइयाँ, उसके खिलाफ हमारा शो है। शो के जरिए आम पब्लिक को हम संदेश देते हैं, जादू कला जो है जो हिंदुस्तान की पुरानी कला है, इस कला को बहुत और फरेवी लोग होते हैं जो इस जादू कला का मिसयूज करते हैं। हम तरक्शील जादूगर है, तरक के साथ में लोगों को जादू दिखाकर कुछ अवगत कराते हैं कि जादू एक आर्ट है, इसके अंदर साइंस, विज्ञान, योग सब का समावेश है जादू। तो लोगों के दिमाग में तंत्र मंत्र के नाम से हमने दूर किया। जादू के लिए बहुत सी अंधविश्वास, गलत धारणाएं भी हमारे समाज के अंदर फैली हुई है, वो हम जादू दिखाकर एकदम लोगों को इसमें मैजिक करने जा रहा हूँ। देखिए अब इस पर मैं एक जादू करने जा रहा हूँ और ये आप ही का रोल है। प्लास्टिक का तो नहीं अब की बार बिल्कुल बराबर है, एक फूल लगाइए, देखिए बिल्कुल बराबर है, कहीं कोई फर्क नहीं है। ओके, मेरा पेन पेन चेक करो, अरे बुखार पेन पेन ना हो ना दे, इसे लोग भी बीच में क्या है वन देखिए नए खेल है, जो भी है जादू के आइटम है, समाज को जोड़ता है, संदेश से भरपूर एक खेल है। प्रतिदिन 2 शो होते हैं, पहला शो 4 बजे, दूसरा 7:30 बजे। संडे के दिन 3 शो होते हैं, पहला शो 1 बजे, दूसरा 4 बजे, तीसरा 7:30 बजे। इस शो के ऊपर हम दिखाएंगे महात्मा गांधी का स्टेचू प्रकट करेंगे, दूसरा जो लुप्त हुआ जानवर है, करोड़ों साल पहले डायनासोर हुआ करता था, उस डायनासोर का रूप दिखाएंगे और बिल्कुल नया आइटम है, पारिवारिक शो है, 2 घंटे का शो है। शो के अंदर कोई भी किसी किस्म की अश्लीलता नहीं है, एक देखने लायक शो है। मैं बताना चाहूँगा कि आपके शहर में 25 दिन के लिए आया हूँ,
प्रतिदिन दो शो होते हैं, पहला शो 4 बजे, दूसरा 7:30 बजे, संडे के दिन 3 शो, पहला शो 1 बजे, दूसरा 4 बजे, तीसरा ठीक 7:30 बजे। शिवजी क्या है जादू, है क्या जादू? कोई तंत्र मंत्र नहीं है जादू, कोई दैविक शक्ति नहीं है, और जादू कोई परमात्मा की शक्ति नहीं है। जादू एक इंसान के दिमाग की उपज है, जादू एक ट्रिक है, इसके अंदर योग साधना विज्ञान का समावेश होता है और कलाकार की मेहनत होती है। शिवजी जैसे जो आज देख रहे हो कि साधु समाज है ना, साधु समाज जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो जिन पे इल्जाम लगा रहे हैं वो खुश हो रहे हैं, सजाएं भी हो रही हैं, बिल्कुल वो भी जादू दिखाते हैं, वो जादू है या वो भी आप तंत्र? देखिए कोई तंत्र मंत्र नहीं होता है, हमारे हिंदुस्तान की जो पब्लिक है अंधी और बहरी है, चाहे जो मर्जी उनको सुनाओ वो सुनेंगे, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक से जुड़े हुए सब लोग हैं, भगवान का नाम लेके पब्लिक को जाम बुलाते हैं वहाँ चले आते हैं, और इनके पास में कोई भी किसी भी किस्म का चमत्कार किसी बाबा के पास नहीं होता है। ये हम एक जादूगर कहते हैं कि किसी भी बाबा के पास किस्म का कोई चमत्कार नहीं होता है, जो भी अगर चमत्कार दिखाता है तो वो कोई ट्रिक है, वो एक इल्यूजन है जो पब्लिक को भ्रम जाल में फंसाया जाता है और पब्लिक से को फंसा कर मिसयूज किया जाता है, आम लोगों को लूटा जाता है। जी कहाँ से सीखा और कहाँ से हुआ? मैं बताना चाहूँगा, बचपन से बहुत शौक था मुझे जादू दिखाने का, मेरे गुरु जादूगर राय फ्रॉम अजमेर, उनसे मुलाकात हुआ और उन्हीं के पास में रह के मैंने जादू कला सीखा और आज पूरे देश के अंदर मैं इल्यूजन शो कर रहा हूँ। सर आपका जो जादू है इसमें क्या मैसेज देते हो समाज को? मैं अपने जादू के जरिए मैसेज देता हूँ, जो हमारी युवा पीढ़ी नशे में डूब रही है, तो हम युवा पीढ़ी को संदेश देते हैं, नशे से बचो, नशे से दूर रहो, जो भी नशा करेगा इंसान उसकी क्या हालत होती है, मैं जादू के जरिए मैजिक शो में अपने स्टेज से दिखा देता हूँ। एक बंदा नशा करते हुए एक बोतल के करीब जाता है और जाते जाते कंकाल बन जाता है, कुछ नहीं बचता है। मैं स्टेज के माध्यम से लड़की गायब करता हूँ, मैं आम लोगों को कहता हूँ अगर देश के अंदर ऐसे ही लड़कियाँ गायब होती रही तो एक दिन लड़कियों की कमी आ जाएगी, कन्या भ्रूण हत्या बंद कीजिए, इस तरह का संदेश मैं देता हूँ। अंधविश्वास के खिलाफ जो बाबा लोग हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, समाज को मिसयूज कर रहे हैं, इनके खिलाफ अंधविश्वास हटाओ मेरा एक अभियान है पूरे देश के अंदर। कितनी देर से कर रहे हैं? मैं 15 साल से मैजिक कर रहा हूँ। सर हमने देखा था ना आपने आप पैसे ठीक से कितने बनाते? हाँ ये ट्रिक थी, ये सब कह रहे ऐसे बना रहे थे, अगर ऐसे पैसे बने तो फिर तो जादू दिखाने की जरूरत नहीं हो देश का सब कर्जा हम माफ कर दे, बना दे बैठे बैठे, ऐसे पैसे नहीं बनते हैं, ये सिर्फ ट्रिक होती है और ये ट्रिक इतनी सफाई से दिखाई जाती है कि आम लोगों के दिमाग में समझ में नहीं आती है, बस हाथ की चालाकी होती है जिसे हम सम्मोहन कहते हैं, नज़रबंदी कहते हैं, असल में नज़रबंदी नहीं होती, बड़ी अकलबंदी होती है, इस तरह की हाथ की हथफेरी होती है, पता ही नहीं लगता। मैजिक बहुत फास्ट होता है। जादू एक कला है, भी हाथ की सफाई है, जिहड़ा कि इस जमाने च आके थोड़ा जा पिछड़ गया। तकरीबन साड़ी कोशिश होंदी है 2 साल 2.5 साल बाद एक शो लाइए ताकि बच्चे इत्थे आ के देखन भी किस तरीके नाल ये ट्रिक नाल काम करदे हैं और ये जादूगर बारे जो पता लग्या है भी काफ़ी अच्छे हैं। और पहला जादू तो पहला ये 7-8 साल पब्लिक दे विच एज ए स्टंटमैन भी काम करते रहे हैं, ते बद तो बद बच्चे आंगे आओ देखो
ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ।